महाभारत युद्ध के कई ऐसे भी पराक्रमी पात्र हैं जिन्हें पूर्णतया भुला दिया गया है। उनका उल्लेख महाभारत की कहानियों में कहीं नहीं मिलता, क्योंकि अधिकांश कथाओं में केवल महान और प्रसिद्ध चरित्रों का ही वर्णन है। ऐसे ही अनसुने चरित्रों में एक नाम है भगदत्त का। तो आइए जानते हैं कि भगदत्त कौन था और वह अर्जुन को क्यों मारना चाहता था। जो प्रयाग ज्योतिषपुर के राजा नरकासुर का पुत्र था, भगदत्त का उल्लेख महाभारत में मिलता है। भगदत्त मात्र ऐसा चरित्र था जिसने 8 दिन तक अकेले अर्जुन के साथ युद्ध किया। युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ के समय जब अर्जुन राज्यों को अपने अधीन कर रहे थे, तब अर्जुन और भगदत्त का 8 दिन तक युद्ध चला। अर्जुन ने अनेक प्रयास किए, परंतु प्रयाग ज्योतिष पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। भगदत्त और अर्जुन के पिता इंद्र घनिष्ठ मित्र थे, इसीलिए भगदत्त ने युधिष्ठिर को चक्रवर्ती स्वीकार किया था और यज्ञ के लिए शुभकामनाएं दी थी। एक बार भगदत्त का युद्ध कर्ण के साथ भी हुआ था, जिसमें कर्ण की विजय हुई। चूंकि कर्ण ने भगदत्त को पराजित किया था, इसीलिए भगदत्त ने महाभारत का युद्ध कौरवों की ओर से लड़ा। कर्ण ने सभी दिशाओं में राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। इसका उल्लेख महाभारत के उद्योग पर्व के 164वें अध्याय में मिलता है। महाभारत के समय भगदत्त की आयु बहुत अधिक थी और इस युद्ध ने भीम, अभिमन्यु और शातिकी जैसे योद्धाओं को पराजित किया था। द्रोण पर्व के 24वें अध्याय में वर्णन मिलता है कि अभिमन्यु और अन्य अनेक योद्धाओं ने एक साथ भगदत्त पर आक्रमण कर दिया था, परंतु भगदत्त के सामने सबने घुटने टेक दिए। द्रोण पर्व के 27वें अध्याय में उल्लेखनीय है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के 12वें दिन भगदत्त का सामना अर्जुन के साथ हुआ था। दोनों के मध्य भयंकर संग्राम हुआ। एक समय तो ऐसा आया जब भगदत्त ने अपने हाथी से अर्जुन को लगभग कुचल ही दिया था, परंतु भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बचा लिया। इसके पश्चात पुनः भगदत्त के सामने आने पर अर्जुन ने भगदत्त के अनेक अस्त्रों को विफल कर दिया। भगदत्त घायल हो गया। तब भगदत्त ने वैष्णव अस्त्र का प्रयोग किया, जिसे काटना अर्जुन के लिए असंभव था। जब तक वैष्णव अस्त्र अर्जुन को आकर लगता, तब भगवान कृष्ण बीच में आ गए। उनके सामने अस्त्र वैजंती माला में परिवर्तित हो गया और इस प्रकार भगवान कृष्ण द्वारा पुनः भगदत्त से अर्जुन के प्राणों की रक्षा हुई। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अब वो भगदत्त पर प्रहार कर उसका अंत करे। तब सबसे पहले अर्जुन ने भगदत्त के सुप्रतीक नामक पराक्रमी हाथी पर नारचा का प्रहार किया। यह प्रहार इतना तीव्र था कि बाण हाथी के कुंभ स्थल में पंख समेत प्रवेश कर गया। तब गजराज ने तुरंत ही धरती पर अपने दांत टेक दिए और वहीं प्राण त्याग दिए। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि भगदत्त की आयु बहुत अधिक है और झुर्रियों के कारण उसकी पलकें झुकी रहती हैं और उसकी नेत्र बंद रहते हैं, जो कि भगदत्त बहुत पराक्रमी और शूरवीर है। इसलिए उसने अपने नेत्रों को खुला रखने के लिए अपने मस्तिष्क पर पट्टी बांध रखी है। तब उसने सबसे पहले भगदत्त की मस्तिष्क पर पर्वधि इस पट्टी पर तीर मारा, जिसके परिणाम स्वरूप भगदत्त के मस्तक की पट्टी छीड़ हो गई, उसके नेत्र बंद हो गए और उसकी आंखों के सामने अंधेरा हो गया और अवसर पाकर अर्जुन ने भगदत्त का वध कर दिया।